Hi guys, welcome to my channel The Fusion YouTuber. I'm Diya Chawla, and in today's video, you're gonna see कुछ ऐसे hairstyles मतलब five और six hairstyles हैं जो कि आप किसी भी party function या अगर आप किसी wedding में जा रहे हो being the wedding guest देन आप उसको बड़े आराम से बना सकते हो अपने हेयर्स को अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं बहुत सिंपल हैं बहुत इजी है बट लिखने में मतलब जब आप पार्टी में कहीं पे जाओगे या कैसे भी तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगने वाला है दूसरों को भी आपको हेयर स्टाइल देखने में बहुत अच्छा लगने वाला है सो लेट्स सी आई मेक द हेयर स्टाइल मतलब मैंने कैसे हेयर स्टाइल्स बनाए और कैसे आपको वो अच्छे लगेंगे प्रैक्टिस कर लेना तो बहुत ही ज़्यादा सही लगेंगे बट अगर इनमें से कोई एक हेयर स्टाइल मैसी भी हो गया देन डोंट वरी मैसी हेयर स्टाइल्स भी बहुत सही लगने वाले ये वाले प्लस अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला जो मेकअप लुक है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा यूट्यूब पर अगर नहीं वो इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी पोस्टेड है यू कैन चेक इट आउट सो फॉर द फर्स्ट हेयर स्टाइल वट यू हैव टू डू पहले तो बाल अच्छे से कॉम कर लो एंड उसके बाद ना एक छोटा सा साइड पार्टीशन करना है आपने और उसको साइड पर ले जाके दूसरी साइड पर ले जाके टक टिक पिन से कर लेना है सिक्योर देन सेम साइड में से थोड़े से हेयर्स लेने हैं एंड उनको आपस में रोल करते जाना है टिल द एंड अगर ये रोल्स मैसी भी होगी तो डोंट वरी चल जाएगा काम इनको अच्छे से रोल करके हमने पीछे एक टिकटैक पिन से सिक्योर कर लेना है इसके बाद जो फ्रंट वाला सेक्शन हमने छोड़ा था उसको लेके भी हमने उसको टू वे में रोल करना है धीरे धीरे जो हेयर्स हैं वो ऐड करते जाना है यानी इसके साथ आपने रोल करना है ये भी अगर मैसी हो गया थोड़ा सा बाय चांस देन डोंट वरी कि मैसी हेयर स्टाइल में भी चलेगा आपको बहुत ज़्यादा इसके साथ नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद इनको भी पीछे ले जाकर आपने कर लेना है टिक पिन के साथ सिक्योर टिक टैक पिन के साथ देन दूसरी साइड पे भी हमने एक ही साइड से बाल लेने हैं थोड़े से हैं, उनको रोल करके पीछे टिक टैक पिन के साथ सिक्योर कर देना है और ये हेयर स्टाइल कुछ इस तरह का लगेगा फॉर द सेकेंड हेयर स्टाइल वट यू हैव टू डू आपको uh, कॉम से अपने जिक हेयर स्टाइल करना है बिल्कुल अपने सेंटर ऑफ द हेयर पे मतलब तो हेड पे और उसके बाद उसको थोड़े से बाल लेने हैं, रोल करते टाइम पीछे को लेके जाना है और उसको टिक टैक पिन की हेल्प से या बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेना है एंड सेकंड जो आपका दूसरा साइड पे बाल हैं उनको भी सेम लेके अच्छे से रोल करके पीछे ले जाकर टिक टैक पिन की हेल्प से या बॉबी पिन की हेल्प से, से कर लेना है सिक्योर और इसको थोड़ा सा हमने आगे को पुश करके फ्लफी बनाना है ये बिल्कुल दबू दबू सा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता वो उसके बाद आप चाहे तो इसको ओपन हेयर के साथ भी कैयर कर सकते हो या फिर आप इसकी पोनी टेल भी बना सकते हो मिड लेंथ की जो पोनी टेल होती है वो आप बना सकते हो एंड दिस विल लुक लाइक दिस सो फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल आपको क्या करना है सेंटर पार्टीशन करनी है देन साइड से आपने थोड़े थोड़े अपने हेयर्स को निकालना है और आगे रखना है दोनों साइड से आपको ये वाला मतलब जो स्टेप है वो करना होगा पीछे वाले बालों को आप कोम करके बांध दीजिए क्लचर से या फिर रबर बैंड से किसी इसके बाद जो फ्रंट की हेयर है उसमें से आपको एक छोटा सा सेक्शन बनाना है लेना है और उसको पीछे की तरफ करते हुए फोल्ड करते जाना है रोल करते जाना है अच्छे से रोल करना है थोड़ा टाइट रोल हो तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैसी भी हो जाए देन डोंट वरी इसको भी टिक टिकटैक पेन या बॉबी पिन किसी की हेल्प से सिक्योर कर लेना है पूरे अपने मतलब हेयर्स पे आगे फ्रंट सेक्शन पे आपने छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं हेयर के उनको रोल करना है टिक टिकटैक पेन या बॉबी पिन के साथ सिक्योर करते जाना है जब तक आपके जो लेफ़्ट वाले मतलब लेफ्ट ओवर हेयर्स थे जो हमने छोड़ रखे थे वो कवर ना हो जाए दोनों साइड के बाल रोल होने के बाद यू कैन वेयर इन टू वेज एदर यू कैन वेयर इट लाइ ऑन ओपन हेयर और पोनीटेल इसके लिए मैंने क्या किया था मैंने इनको थोड़ा सा आगे पुश करके ना फ्लफी लुक दिया था कि ये थोड़े उभरे उभरे से लगे एंड मेरा जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे और ये हेयर स्टाइल कुछ इस तरह का लगता है इफ़ यू वॉन्ट रबर बैंड लीजिए अपने बालों को थोड़ा सा ऊपर पोनीटेल में लेके आए मिड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए उनको टाई कर लें फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल सबसे पहले बाल अच्छे से कोम कर लेने हैं सेंटर पार्टीशन करना है एंड सेंटर पार्टीशन में से ही उसकी भी दो पार्टीशन होंगी तो उसमें से थोड़े से हेयर्स लेने हैं आपने सिर्फ फ्रंट सेक्शन के ही रहने चाहिए जहाँ तक आपका आईब्रो का वो बनता है एंगल बनता है वहाँ तक वो ले लिए उसके बाद आपने इनको करना क्या है कॉम करके इनको थ्री स्टैंड ब्रेड बनानी है जो हम नॉर्मली अपने बनाते हैं उनको फ्रंट के साइड पे ही हमने ब्रेड बनानी है इसके बाद इसको कर लेना है इलास्टिक बैंड से सिक्योर पीछे के हेयर्स को थोड़ा सा लेके इनको अपने हाथों में सिक्योर करना है पहले देन उसके बाद आपने पोनी मतलब जो भी आपके लेफ्ट ओवर हेयर्स हैं उनको लेके एक पोनी टेल बना लेनी है पोनी टेल में अच्छे से बांध लेना है आपको बैंड इसके लिए थोड़ा अच्छा वाला चाहिए होगा और इसको भी थोड़ा आगे को पुश करके फ्लफ कर सकते दिस दिस लुक लाइक ओपन के साथ भी चल सकता है थोड़ी सी पीछे से पफ स्टाइल बना लेना बहुत ही सिंपल से थे बहुत ही एलिगेंट कह, कह सकते हो एक दो तो थे बाकी गर्ल्स भी बना सकते हैं इसको लेडीज भी बना सकते हैं कोई भी बड़े आराम से बना सकता है एंड किसी भी पार्टी फंक्शन वेडिंग पे बड़े आराम से uh, मतलब हम कर सकते हैं ये वाले हेयर स्टाइल आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल यूजफुल इफ यस देन लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो